दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2,00,000 करोड़ गैलेक्सीज हो सकती है। सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 40,000 करोड़ स्टार्स होने के अनुमान हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी तो केवल एक मीडियम साइज की गैलेक्सी ही है और इससे हजारों गुना बड़े गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने कहा था कि इस यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं जितने की धरती के बीचेस में रेती के दाने भी नहीं होंगे। कई स्टडीज और ऑब्जर्वेशंस ये अनुमान लगाती है कि इस यूनिवर्स में 1 क्वाड्रिलियन यानी कि 10^24 से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। जरा सोचिए कि अभी तक हम इंसान इतने काबिल भी नहीं हुए हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाए और हमारा सूरज इस असीम ब्रह्मांड के अनगिनत तारों में से केवल एक छोटा सा स्टार ही है। जब बात इस यूनिवर्स के सबसे बड़े तारों की आती है तो अभी तक हमारे दिमाग में सबसे पहले UY स्कूटी और VY कैनिस मेजोरिस का नाम आता था, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि अभी हमने हाल ही में यूनिवर्स के सबसे लार्जेस्ट स्टार को खोज निकाला है जिसका नाम है स्टीफनसन 218। इस डिस्कवरी के बाद UY स्कूटी लार्जेस्ट स्टार की लिस्ट में इतना पीछे चला गया है कि अब ये टॉप 10 में भी नहीं गिना जाता। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टीफनसन 218 के बारे में ही बताने वाला हूँ और इसके साथ ही यूनिवर्स के कुछ और बड़े स्टार्स के बारे में भी बताऊंगा। पर क्या आपको पता है कि UY स्कूटी अब लार्जेस्ट स्टार क्यों नहीं रहा? क्या ये श्रिंक होकर छोटा हो गया है या फिर इसका कोई और रीजन है? आई गेस अभी तक किसी भी चैनल ने इस टॉपिक को इतने डिटेल में कवर नहीं किया होगा जितना कि आज हम करने वाले हैं, तो इस बात पर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना तो बनता है मेरे यार। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, स्टीफनसन 218 के पहले हम UY स्कूटी को यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार मानते थे। ये स्कूटम कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ऐसा माना जाता था कि ये स्टार धरती से 9,500 लाइट ईयर्स दूर स्थित है और इसकी रेडियस हमारे सूरज के कंपैरिजन में 1708 गुना ज्यादा बड़ा है। ये कैलकुलेशन साल 2012 में चिले के अटाकामा डेजर्ट में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। इसके लिए एम्बर इंटरफेरोमेट्री नाम की टेक्निक का यूज किया गया था। एम्बर यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल मल्टी बीम रिकम्बाइनर। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग यूनिट टेलीस्कोप्स होते हैं। UY स्कूटी के केस में 3 यूनिट टेलीस्कोप्स थे। ये यूनिट टेलीस्कोप्स किसी ऑब्जेक्ट से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि इन यूनिट टेलीस्कोप्स की पोजीशन में थोड़ा अंतर होता है तो उनके द्वारा रिसीव की गई वेव्स में भी अंतर होता है, लेकिन ये अंतर इतना ज्यादा कम होता है कि हम इंसान तो इसे समझ ही नहीं सकते। इसके लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक पावरफुल कंप्यूटर सारे डेटा को एनालाइज करके किसी ऑब्जेक्ट की साइज को कैलकुलेट करता है। इस कैलकुलेशन में ऑब्जेक्ट की यूनिट टेलीस्कोप से डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एरर होता है तो ऑब्जेक्ट के साइज के एस्टिमेट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है और कुछ ऐसा ही UY स्कूटी के मामले में भी हुआ है। साल 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA के द्वारा लॉन्च्ड गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने हाल ही में एक बार फिर से UY स्कूटी की धरती से डिस्टेंस का अंदाजा लगाया और इस बार ये 9,500 लाइट ईयर्स नहीं बल्कि केवल 5,100 लाइट ईयर्स दूर ही मिला है। इट मींस हमारी पिछली ऑब्जर्वेशंस गलत साबित हुई और UY स्कूटी धरती से काफी करीब है। एंड फॉर दैट रीजन, जब इसकी साइज को एक बार फिर से कैलकुलेट किया गया तो ये हमारे सूरज से केवल 755 टाइम्स ही बड़ा पाया गया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि UY स्कूटी अगले कुछ करोड़ों सालों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद फिर से इतना विशाल बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपना लार्जेस्ट स्टार होने का स्टेटस खो चुका है। अब बात करते हैं यूनिवर्स के नए सबसे लार्जेस्ट स्टार स्टीफनसन 218 के बारे में। ये स्टार धरती से करीब 20,000 लाइट ईयर्स दूर स्टीफनसन 2 नाम के एक ओपन क्लस्टर में मौजूद है। स्टीफनसन 2 हमारी मिल्की वे में ही स्थित है और इसे साल 1990 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स ब्रूस स्टीफनसन ने डीप इंफ्रारेड सर्वे के दौरान खोजा था। स्टीफनसन 2 ओपन क्लस्टर में टोटल 26 रेड सुपर जायंट स्टार एग्जिस्ट करते हैं, जो आज तक का यूनिवर्स में खोजा गया किसी भी दूसरे क्लस्टर से ज्यादा है। स्टीफनसन 218 अपने क्लस्टर के
बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही बड़ा है। और अगर हम इसकी साइज को हमारे सूरज से कंपेयर करें तो ये हमारे सूरज से 2150 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हम इस स्टार को अपने सोलर सिस्टम में सूरज की जगह पर रखते हैं तो ये मरकरी और वीनस को तो आराम से अपने अंदर समा लेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी धरती तो बच गई, तो भाई मैं कोई एवेंजर्स थोड़ी ना हूँ। केवल मरकरी और वीनस नहीं बल्कि अर्थ, मार्स, जुपिटर और यहाँ तक कि सैटर्न भी इसके अंदर समा जाएगी। बात करें इस स्टार की एज की तो इंटरेस्टिंगली ये अभी सिर्फ 1.4 से 2 करोड़ ईयर्स पुराना ही है और अभी से ये इतना ज़्यादा विशालकाय है। हम इंसान अभी स्टार्स के बारे में जो भी जानते हैं उसके अनुसार तो आने वाले कुछ करोड़ सालों में ये और भी ज़्यादा विशाल हो जाएगा और एक येलो सुपर जायंट में बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपनी लाइफ के अंतिम समय में जब इस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और हो सकता है कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक ब्लैक होल को जन्म दे। एटलीस्ट हमारी करंट स्टेलर एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग तो यही बताती है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या स्टीफनसन 218 के आसपास कोई धरती जैसा ग्रह हो सकता है जहां पर हम इंसानों जैसे जीव रहते हो या फिर कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हो? वैज्ञानिकों की माने तो अभी ये स्टार इतना पुराना नहीं हुआ है कि इसके किसी आसपास के प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। स्टीफनसन 218 से चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्स के दूसरे सबसे बड़े स्टार MYCFI की तरफ। ये धरती से करीब 9780 लाइट ईयर्स दूर सीफियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ओपन क्लस्टर NGC 7419 में स्थित है। इस ओपन क्लस्टर में सिर्फ 4 रेड सुपर जायंट्स ही पाए गए हैं। MYCFI हमारे सूरज के कंपैरिजन में 2061 गुना ज्यादा बड़ा है। ये स्टार इतना ज्यादा बड़ा जरूर है लेकिन दूसरे रेड सुपर जायंट से अलग ये काफी ज्यादा ठंडा है और इसीलिए उतना चमकदार नहीं है। यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है WY Velorum। ये भी एक रेड सुपर जायंट स्टार है और साउदर्न स्काई में स्थित वेला कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। इसकी रेडियस हमारे सूरज के कंपैरिजन में 2028 गुना ज्यादा बड़ा माना जाता है। हमारे इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है RX टेलीस्कोपी। ये दूसरे बड़े स्टार्स की तरह एक रेड सुपर जायंट तो है लेकिन इसकी ब्राइटनेस इरेगुलर मानी जाती है, मतलब इसकी ब्राइटनेस समय समय पर बदलती रहती है और इसका कोई डिफाइनाइट पैटर्न भी नहीं है। ये धरती से करीब 19,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और ये हमारे सूरज के कंपैरिजन में 1898 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में मिल्की वे से 2 गुना से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद है। एंड्रोमेडा के बारे में हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना। खैर ऐसा माना जाता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1,00,000 करोड़ स्टार्स हैं और उन्हीं में से एक स्टार है LGGS J0045200.67+414717.3। इस स्टार को ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें इसके बारे में कोई खासा जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि हम ये जानते हैं कि सूरज के कंपैरिजन में ये 1870 गुना ज्यादा बड़ा है और इस तरह ये यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार्स की लिस्ट में 5th नंबर पर आता है। अब चूंकि इन स्टार्स का एस्टिमेट अभी कुछ समय पहले ही गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद ही सामने आया है तो हमें इनके बारे में कुछ खासा डिटेल नहीं है, पर जैसे जैसे हम इनके बारे में और भी चीजें जानेंगे मैं उस पर आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। वैसे क्या आपने कभी ये सोचा है कि यार अभी तक तो हमने इस यूनिवर्स को ठीक ढंग से एक्सप्लोर किया ही नहीं है। बात करें स्टीफनसन 218 की तो इसे भी हमारी मिल्की वे में ही खोजा गया है एंड आई एम श्योर कि यूनिवर्स में दूर दूर की गैलेक्सीज में इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े स्टार्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। इंटरेस्टिंगली हो सकता है कि जिन लाइट रेज को हम देख रहे हैं और जिन अनंत तारों से भरे आसमान को हम रात में देखते हैं उनमें से कोई तारा हमारी कल्पना से भी अधिक बड़ा हो, कोई नहीं जानता। लेकिन आने वाले भविष्य में हम इंसान अपनी क्यूरियोसिटी और लगन के दम पर इन सभी रहस्यों से पर्दा जरूर उठाएंगे लेकिन बदकिस्मती से शायद हम उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं बच पाएंगे।
खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस पल के शुरुआत को तो देख ही सकते हो। तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम 3 मिलियन तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके फेसबुक पेज को लाइक करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।